हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फूड रेसिपी में। आज मैं प्याज की अचार बनाने जा रही हूँ। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी क्लिक कर दे। और हाँ दोस्तों, मेरे वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दे। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमने यहाँ पर प्याज और कच्चा आम लिया है। और जब भी आप प्याज का अचार बनाए तो दो पार्ट प्याज और एक पार्ट आम ले। और अब अचार बनाने के लिए अब हम प्याज का छिलका हटा लेंगे। प्याज का छिलका हटाने के लिए देखिए, हमने चाकू लिया है और ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग काट करके पहले हटा देंगे। देखिए, हमने ऊपर वाला भी भाग हटा रहे हैं। देखिए, अब मैं इसे छील लूँगी। इसी तरह सारे प्याज को मैं छिलका हटा लूँगी। देखिए, हमने सारे प्याज का छिलका हटा लिया है और आम का भी छिलका हटा लिया है। चलिए आप स्लाइसर की मदद से स्लाइस कर लेंगे। स्लाइस करने के लिए ये वाला जो ब्लेड है उस पे मैंने प्याज को स्लाइस करूंगी। देखिए, इसी तरह धीरे धीरे स्लाइस कर लें। देखिए, हमने प्याज को भी स्लाइस कर लिया है। देखिए, बारीकी से करें। देखिए कितना अच्छा स्लाइस हो गया है, एकदम बारीकी से। और हाँ दोस्तों, जब भी आप प्याज का अचार बनाए तो स्लाइसर पर ही स्लाइस करें, इसे एक जैसा स्लाइस होगा। और अब मैं आम को भी स्लाइस कर लूँगी। और ये वाला जो है नीचे वाला, मैं इसी पर मैं खींचूँगी और बिल्कुल बारीकी से मैं इसे स्लाइस करूँगी। हाथ बचाकर अच्छे से करें। देखिए कितना अच्छा स्लाइस हुआ है, बिल्कुल बारीकी से। इसी तरह हमने दोनों आम को स्लाइस कर लिया है। और अंदर का गुठली है उसे मैं हटा दूंगी। देखिए, अभी से मैं अलग हटा दे रही हूँ। कितनी अच्छी से बारीकी से स्लाइस हो चुका है। अब मैं एक बाउल लूँगी और इसमें जो मैं स्लाइस करके रखी थी उस प्याज को मैं डाल दूंगी। देखिए, मैंने सारे प्याज को डाल दिया है। और अब आम, कच्चे आम का जो स्लाइस बनाकर मैं रखी हुई थी उसे भी मैं डाल दूंगी। मैंने सारे स्लाइस को इसमें डाल दिया है। इसमें काली वाली जो राई होती है उसका पाउडर बनाकर रखी हुई थी उसे मैं करीब 4 चम्मच डाल दूंगी। और हाँ दोस्तों, अचार जब भी बनाएं तो काली वाली जो राई होती है उसी का पाउडर डालें। और 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर जो तीखा होता है, ठीक है, 2 चम्मच मैंने डाल दिया है। और थोड़ी ज़्यादा तीखा खाती हो तो मिर्च का पाउडर जो है उसका मात्रा बढ़ा दे, और कम तीखा खाते हो तो घटा दे। और अब मैं इसमें 1 चम्मच करीब भुना हुआ जीरा पाउडर रख दिया है। और 1 चम्मच मेथी जिसे मैं हल्का भून करके पाउडर तैयार करके रखी हुई थी उसे भी मैं डाल दिया है। और करीब 1 चम्मच मंगरेला जिसे गोजी भी बोलते हैं उसे भी मैंने हल्का भून करके रखी हुई थी। और करीब 1 चम्मच अजवाइन इसे भी मैं भून करके रखी हुई थी उसे इस तरह से हाथ पर मोल करके ही डालें जिससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और सौंफ को भी मैंने हल्का भून लिया था, करीब 1 चम्मच सौंफ लिया है। देखिए, उसे भी इस तरह से हाथ पर मसलते हुए डाल दें। सौंफ का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए सौंफ का भी मात्रा बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। और अब मैं हल्दी पाउडर डालूंगी, करीब 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी जो तीखा वाला होता है उसे,
देखिए उसका डंडी तोड़ करके हटा दूंगी। देखिए मैं डंडी तोड़ करके हटा दिया है और उसी साइड से जिस साइड से डंडी तोड़ा है उसी साइड से मैं कट लगा दिया है। देखिए एक और मैं दिखा रही हूँ, देखिए नीचे से ही कट लगा, देखिए इस तरह से इसमें चीरा आ जाना चाहिए। और इससे होगा क्या कि मसाले का भी टेस्ट और नमक का भी जो है इसके अंदर अच्छी तरह से सोख जाएगी और मिर्ची का भी टेस्ट अच्छा आएगा। देखिए इसी तरह मैंने सारे मिर्ची को कट लगाकर मैं डाल दूंगी। और हाँ दोस्तों, आप मिर्ची का मात्रा बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मिर्ची का भी फ्लेवर अलग आता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, और तीखा वाला ही मिर्ची डालें। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, करीब एक चम्मच काला नमक और दो चम्मच सफ़ेद नमक। और हाँ दोस्तों, टेस्ट करके देख लें, थोड़ी कम बेसन नमक हो तो आप उसे बढ़ा घटा सकते हैं। अब मैं इसमें सरसों का तेल डालूंगी, करीब मैंने एक कप सरसों का तेल लिया है। आप अपने प्याज और आम के हिसाब से सरसों का तेल डालें। सरसों का तेल भी डाल दिया है, एक करछल की मदद से मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। देखिए इसी तरह मिक्स कर ले, इसी तरह चलाते हुए करछल की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर ले। देखिए कितना अच्छा मिक्स हो गया है और कलर भी कितना अच्छा लगने लगा है। मैं एक जार लूंगी और इसी में मैं डाल दूंगी। देखिए मैंने सारे अचार को इस जार में डाल दिया है। अब मैं इसे धूप में करीब दो दिन तक डालूंगी ताकि मसाला जो मैंने डाला है थोड़ा पक जाए। देखिए अब मैं ये दो दिन धूप में रखने के बाद आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। और हाँ दोस्तों, देखते ही भूख लग जाती है और आप इसे सालों साल रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और हाँ दोस्तों, फिर मैं मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।